गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएम उम्मीदवार की फहरिस्त में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार तक को दावेदार माना जाता है। लेकिन जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा का दावा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए सबकी पहली पसंद है, लेकिन कोई खुलकर इजहार नहीं कर रहा। अब सवाल है कि जब नीतीश कुमार पहली पसंद है तो परहेज कैसा है, खुलकर बोलने से इंडिया गठबंधन वाले हिचक क्यों रहे हैं? इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू दिल ही दिल में बड़ा ख्वाब पाल रही है। जेडीयू के नेताओं की चाहत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। जेडीयू कोटे से नए नवेले मंत्री बने रत्नेश सदा का दावा है कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां चाहती हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा। सब कोई मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है सब मान रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। समय आने पर सब मान्य मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे और देश का प्रधानमंत्री। मंत्री रत्नेश सदा ने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि विपक्षी दल प्रधानमंत्री उम्मीदवार को छोड़कर हर सब्जेक्ट पर बात करने को तैयार है। मंत्री रत्नेश सदा के दावों पर बिहार में सत्ताधारियों की दलीलें सुनिए। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता सर्वोच्च पद तक जाएं, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टियों ने एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा सैक्रिफाइस की बात की। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री या अन्य मामलों का फैसला जो इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेता हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनके माध्यम से फैसला लिया जाएगा और इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी भी बना दिया गया है। देखिए, सभी दलों के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता सर्वोच्च पद पे हो। प्रधानमंत्री का चुनाव इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो सभी लोग बैठ के तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का देश के प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं बीजेपी शुरू से कहती रही है कि इंडिया गठबंधन में पीएम फेस पर बड़ी रार है। नए नए मंत्री बने हैं, एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो इनको तो खुद बिहार की जनता जानती नहीं। और नीतीश कुमार जी अब अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है तो बिहारी क्यों चाहेगा कि ये देश का नेतृत्व करे? कोई बिहारी नहीं चाहता है उनको, ये इनका अपना सोच है, ये अपने सोच के तहत कहते हैं। अब सवाल है कि नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने में पेंच कहां फंसा है? इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां किस दुविधा में हैं? लालू यादव बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार से परहेज क्यों? अखिलेश सिंह बिहार में तेजस्वी को नेता मानते हैं, नीतीश पर चुप्पी क्यों? क्या रत्नेश सदा का बयान इंडिया में प्रेशर बनाने के लिए है? क्योंकि याद कीजिए, अभी पिछले दिनों जब यूपी के फूलपुर से जेडीयू नेताओं की टोली पहुंची थी तो नारे लगे थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। इससे पहले भी जेडीयू के कई बड़े नेता नीतीश कुमार के नाम की सिफारिश कर चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी सरीखे पीएम उम्मीदवार भी रेस में हैं। सुपौल से सुभाष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।